ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, आज है बुधवार यानी कि 29 नवंबर। यस, दिसंबर अभी आ ही रहा है पिछल। एंड थैंकफुली जो 41 वर्कर्स थे जो सही सलामत बाहर निकल आए, कंग्रेचुलेशंस टू देम एंड थैंक यू टू ऑल द टीम्स जिन्होंने भी मेहनत की वहाँ पे उनको वहाँ से निकालने के लिए। ठीक है, सो यस, देश के प्रति तो इतनी चीज़ तो बनती है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम हमारे इस प्रोग्राम में। ठीक है, आप कर रहे हैं शफलिंग और अब देखते हैं कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। राइट, यस, मैं पहले कार्ड्स रखता हूँ यहाँ पे और बाद में हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चार कार्ड मिल चुके हैं, 5, 6, 7, 8 और ऑलमोस्ट 9 या 10 कार्ड हमें मिल चुके हैं। ठीक है, सो अब इन कार्ड्स को रखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, चलो जो भी क्लिंजिंग है वो थोड़ा सा करते हैं हम एंड अब करते हैं एक रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है 6 of Wands यानी कि एरीज लियो सैज की एनर्जी। ठीक है, सो ये जो एनर्जी है वो क्या कह रही है, लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, देखो भाई, ये एनर्जी जो है 6 of Wands की, ये होती है बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही सकारात्मक। मानो कि आपने इनको सपोर्ट किया है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपसे बहुत खुश है एंड इनको रियलाइज़ हो चुका है कि मान लो इन्होंने आपका दिल जीत लिया है, सो नाउ नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आती है। बेसिकली भाई ये पर्सन कहता है कि मेरे लिए खुशी का मौका है, खुशी का पल है, बिकॉज आई नो कि आप हमेशा मेरे साथ हो एंड यू, मतलब ऐसा इनको लग रहा है, बट दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग कि मान लो आज खुशी का मोमेंट है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, सब कुछ सही होने वाला है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। तो एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक शुरुआत हमें यहाँ पे दिखती है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड मिला है हालांकि वो है 5 of Swords जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि जितने भी लोग थे जो शायद इस पर्सन को एंड आपको टकराने पे मजबूर कर रहे थे या फिर कहीं ना कहीं पे कह सकते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ जाने को मजबूर कर रहे थे, अब वो जो लोग हैं वही चिंता में हमें दिखते हैं। सो ये एक चीज़ हम यहाँ पे जान सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पर्सन कह रहा है कि भाई जितने भी लोग इनको परेशान करने वाले थे अब खुद ही परेशानियों में घिर चुके हैं। तो कहते ना कि भाई नसीब अपना अपना, अगर खुद ऐसा कर्म किया है तो डेफिनेटली आपको भी वही भुगतना पड़ेगा एंड वही चीज़ इनके साथ भी हो रही है, जो कि एक अच्छी बात हम कह सकते हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन, तीसरा कार्ड आ गया है 6 of Swords। आई थिंक ऐसे लोग आप दोनों से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसमें किसी थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो हाँ, हो सकता है जो जानबूझ के आप दोनों के बीच में आन पड़ा है या फिर आप दोनों के जिंदगी में कहते हैं ना कि भी एक हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो व्यक्ति, वो इंसान खुद ही अभी आपके ज़िंदगी से चला जा रहा है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, 9 of Swords, कहीं ना कहीं इस पर्सन को, मतलब उस पर्सन को रियलाइज़ हो गया है कि भाई मैंने ये जो किया है वो सही नहीं किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके गुनाहों की सज़ा उनको मिल रही है। अगर आप बिलीव करते हैं यूनिवर्स के ऊपर, जैसे कि अभी महाशक्ति है महाकाली के ऊपर, काल भैरव जी के ऊपर, तो बेसिक जो काल भैरव जी होते हैं वो जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बाकी के बहुत सारे ऐसे ग्रह तारे वगैरह आते हैं, फिर शनि भी उन्हीं के बाहर आता है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप काल भैरव जी की पूजा करते हैं तो शनि भी मतलब आपको नुकसान नहीं पहुंच सकता, बिकॉज आप अल्टीमेटली जस्टिस ही करेंगे, आप कभी भी इनजस्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, सो बात यहाँ हम देखते हैं, बिकॉज इनकी कृपा आपके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर हो रही है या अगर हो गई है तो डेफिनेटली जो भी, जितने भी आपके शत्रु है, चाहे छुपे शत्रु है या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे शत्रु जो सामने से आपको तकलीफ दे रहे हैं, वो खुद ही अभी डर के मारे जी रहे हैं।
ओके। अब जो नेक्स्ट कार्ड मिल गया है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड क्या कह रहा है भाई? ये तो है अर्थ साइन। अर्थ साइन का मतलब है कि जो जिसने बोया है वो उसको मिलेगा। अगर आपने प्यार दिया है तो आपको प्यार ही मिलेगा, अगर आपने खुशी दी है आपको खुशी मिलेगी, अगर आपने दर्द दिया है तो आपको दर्द ही मिलेगा, और वही इंसाफ इनके साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे इंसाफ की एक शुरुआत या फिर इंसाफ का एक करिश्मा हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हर चीज़ का एक समय होता है। हम कहते हैं ना कि भाई हर समय, जैसे कि मान लो आपकी गाड़ी बीच में बंद पड़ गई, आपने कितनी भी कोशिश की वो सही नहीं हो रही है, मैकेनिक को बुलाया वो ठीक नहीं कर रहा है, कह रहा है कि भाई गराज में लाओ। सुबह गराज में जब गाड़ी जाती है तुरंत शुरू होता है, तो एक समय होता है, उस समय पर सब कुछ होता है, उसके पहले नहीं होता। वही चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हमें यहाँ पे दिख रही है, मतलब अब ये पर्सन जो है वो कम्प्लीटली अब आपकी तरफ ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब नहीं भाई, अब कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, अब कोई भी तकलीफ नहीं, अब कोई हर्ट करने वाला नहीं, अब जो ध्यान रहेगा आपकी तरफ रहेगा, मतलब ग्राउंडिंग एनर्जी रहेगी। ग्राउंडिंग के लिए, प्यार के लिए, दिल के लिए जो आप हैं, बस आप ही की तरफ इनकी निगाहें आपको अब दिख सकती है, ठीक है। क्यों? बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, लियो, यानी कि भाई सिंह राशि। ये पर्सन कह रहा है कि भाई इस व्यक्ति के लिए आप एक स्ट्रेंथ हो, आप इनको स्ट्रेंथ देते हो, आप इनको आशा देते हो, आप इनको सपोर्ट करते हो, जो इनके लिए एक बड़ी बात है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ कैसी होती है या फिर कोई किसी के लिए स्ट्रेंथ कैसे बनता है, तो बेसिक चीज़ ये है कि आप में वो खासियत है जो है पहचान जाते हैं, ठीक है। इनके लिए अगर आप इनके साथ हो तो इनकी स्ट्रेंथ डबल होती है, इनकी सोच अच्छी रहती है, इनको और अच्छा स्टैमिना मिलता है, एक अच्छा दिन उनको मिलता है, या फिर जितने भी नकारात्मक सोच है वो चली जाती है। मतलब आप में इतनी पॉजिटिविटी है कि इनका दिल जो है वो गुलशन गुलशन हो जाता है, इसलिए ये पर्सन आपके ऊपर इतना रिलाय हमें दिखता है, ठीक है। अब उसके बाद जो कार्ड मिल गया है वो है दी हर्मिट। हार्मिट मतलब कि भाई एक सही सेफ रास्ता, आप उनको एक सही सेफ रास्ता दिखा रहे हो, या फिर हम कह सकते हैं कि फिलहाल इनको कोई एक सही सेफ रास्ता दिखा रहा है जो कि इनके लिए भी और आपके लिए भी बढ़िया है, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है भाई। अब एक और कार्ड जो हमें मिल गया है वो है टेन ऑफ कप्स, यानी कि भाई ये पर्सन काफ़ी खुश फिलहाल है, या फिर कह रहा है कि भाई आज का दिन मेरे लिए बढ़िया है बिकॉज मैं आप अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस कर सकता हूँ, ठीक है। टेन ऑफ कप्स मतलब कंप्लीशन हम देखते हैं, पर कंप्लीशन मतलब क्या? कंप्लीशन मतलब कि मान लो आज का ऐसा समय जहाँ पे इस व्यक्ति के ऊपर कोई भी तान तनाव नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई भी ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, कम्प्लीटली आपके ऊपर फोकस कर सकता है कि मैं और मेरा प्यार, दैट्स इट, मेरे लिए ये बहुत बढ़िया है एंड हम सब खुश हैं, उससे बढ़िया मुझे, उससे और मुझे क्या चाहिए, ठीक है भाई। एक और कार्ड हमें मिला है वो है दी आर्टिस्ट। एक्स्ट्रा कार्ड यहाँ पे आ गए हैं भाई। आर्टिस्ट का मतलब है कि अब ये पर्सन जिस तरह से आपको सरप्राइज करना चाहता था या फिर मन के दरवाजे खोलना चाहता था कि भाई आई बिलीव इन यू, अब आपके लिए मैं वो सब कर सकता हूँ, आपके आपको मैं सब दे सकता हूँ जो आप डिजर्व करते हो, है ना। अगर आपकी शिकायत थी कि इस पर्सन ने वो नहीं किया, उतना प्यार नहीं दिया, बाहर घुमाने नहीं ले जा रहे थे, तो अब ये पर्सन वो सब कर सकते हैं बिकॉज उनके हिसाब से वो समय आ चुका है, ठीक है भाई। अब देखते हैं ये जो एंजेलिक ओरैकल हमें मिल गई है, हम सिर्फ वन साइड देखेंगे, ठीक है। चलो ये पहला जो कार्ड आ गया है वो है आर्क एंजल सैंडल फोन, ठीक है। क्या है ये? माय लाइफ इज डायनामिक एंड फुल ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी, ओके, दैट्स गुड थिंग। एंड यहाँ पे क्या कार्ड आ गया है कि भाई आई एम फुल ऑफ विगर, आई एम ऑथेंटिक एंड लॉयल। अब ये पर्सन को एहसास हो रहा है, फिर खुद कह रहा है कि भाई मेरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली भी है, एंड मैं ऑथेंटिक एंड लॉयल भी हूँ, मतलब अब आप मेरा प्रमाणिक रूप देखेंगे। तो अगर किसी को लग रहा था थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टी थी तो वो चली गई है, आप पर चली जाएगी, एंड दैट इज़ अ गुड साइन। सेकेंड जो एक साइन मिला है फ्रॉम द एंजल, दैट इज आर्क एंजल जोफियल। आई एम अ शाइनिंग स्टार, आई फोकस ऑल ऑन ऑल ऑफ माई गुड एट्रीब्यूट्स एंड एम्पलीफाई देम। ऐसी मैं पाथ शाइनिंग ब्राइटली बिफोर यू, मतलब ये पर्सन अब क्या कह रहा है कि अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले शायद डरता था किसी के दबाव से, अब ये कह रहा है कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा काम अच्छा है तो लोग भी मेरे बारे में अच्छे ही कहेंगे, मेरे कदम रखने से पहले ही वो काम अच्छा बन जाता है। मैंने कहा था कि स्ट्रेंथ आप अगर बन चुके हो तो
तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। थर्ड कार्ड ऑब्वियसली आर्कएंजल माइकल का जो मिला है यहाँ पे, आई एम अ क्लियर चैनल ऑफ लव लाइट एंड वेलबींग, ऑल इज वेल इन माई लाइफ। यस, बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेट मेंटल क्लैरिटी, बैलेंस्ड इमोशंस एंड फाइनेंशियल अबंडेंस, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। पैसों की बात करें सही चल रहा है, इमोशंस की बात करें बैलेंस चल रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी है, मतलब हम कह सकते कि सोच एकदम से सुधर गई है। एंड इसलिए कह रहा है कि भाई मेरी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया है, डरने की या तकलीफ की कोई भी यहाँ पे वजह नहीं दिख रही है। सो ये है आज का रीडिंग।